ये हैं संतोष भाटी, उम्र 35 साल। इनकी कहानी घूंघट से वर्दी तक के सफर की है, जिसमें उन्होंने हर चुनौती को हिम्मत और हौसले से पार किया। संतोष भाटी की शादी सिर्फ 14 साल की उम्र में हो गई थी। तीन बेटियों की मां बनते ही जब वह 21 साल की थी तो उनके पति का निधन हो गया। जिंदगी ने उन्हें बहुत जल्द ही बहुत बड़े संघर्ष में डाल दिया। मैं जब छोटी थी तब मेरे पास में बहुत सारे सपना हुआ करते थे। मेरी मम्मी को लड़के पसंद थे और मम्मी को भगवान की कृपा से लड़कियां हुई, 5 लड़कियां हुई, जिसमें से सेकंड में थी। मम्मी ने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी, 14 साल की जब मैं 6 पास थी तब मेरी शादी एक गांव में कर दी और गांव वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी। पति के निधन के बाद संतोष अपने 3 बच्चों के साथ उदयपुर आ गई। पढ़ाई लिखाई न होने के कारण उन्हें नौकरी मिलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और सफाई का काम शुरू किया। ये काम करते हुए भी उनके मन में अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की चिंता थी। झाड़ू पोछा एक अच्छी नौकरी, पता नहीं, मेरी नज़र में तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था उसमें औरतों के लिए। तो मुझे पढ़ना था और एक अच्छी नौकरी करनी थी, तो मैंने 8th का एग्ज़ाम दिया और फिर मैं पास हो गई। फिर 10th का दिया बोर्ड, 12th बोर्ड दिया, बीए कंप्लीट किया। संतोष ने हार नहीं मानी और एक एनजीओ की मदद से फिर से पढ़ाई शुरू की। जब वह 8वीं की परीक्षा देने लगी तो बच्चों के मजाक के कारण वह परीक्षा के गेट से ही वापस लौट आई, लेकिन उनके हौसले ने उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 8वीं पास की। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी पास की। वापिस मैं उदयपुर आई और पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने 12 साल बाद की थी तो 8th का एग्जाम दिया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने झोड़ भी उल्टी की थी। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन समाज में रहना था और मुझे कुछ करना था अपनी बेटियों के लिए। मेरे परेशानियाँ तो हमेशा औरतों के लिए होती है, कभी कोई काम को लेकर होती है। मैंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे शादियों में खाना बनाने का काम किया, क्योंकि कम पढ़े लिखे के पास में कोई काम होता नहीं है। तो उनके साथ में बच्चे भी होते हैं, बच्चों का देखना होता है और बच्चों की पढ़ाई और उसके साथ में मेरी पढ़ाई, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठकर मैं ट्यूशन जाती थी और दिन को काम करती थी, शाम को रात को खाना बना के और रात को पढ़ाई करती थी 2 बजे तक, फिर सो के वापस सुबह 4 बजे ट्यूशन जाके और ये काम करती थी। तो एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है अगर वो नींव टूटे तो, लेकिन टूटती है, बिखरती है और फिर से टूटती है। संतोष की मेहनत और संघर्ष का फल मिला जब उन्होंने बीए की परीक्षा में असफल होने के बावजूद वन रक्षक की भर्ती परीक्षा पास कर ली। 2016 में जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि वह सरकारी नौकरी कर रही हैं। अब वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं और समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। फिर बीए 3rd ईयर में मेरा एक एग्जाम था वन रक्षक का, तो मैंने फॉर्म भर दिया था ऐसे ही, और साथ ही साथ में झाड़ू पोछा करती थी, साथ में खाना भी बनाती थी, सेवा मंदिर में काम करती थी। तो लास्ट एग्जाम मेरा वन विभाग और हिंदी दोनों साथ था, तो उसमें मैं रह गई थी और वन विभाग में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन हो गया और किस्मत थी शायद मेरे इस जॉब के लिए, तो मैं सिलेक्शन हुआ मेरा और आज जॉब में हूँ। सेवा मंदिर में मैंने अपना अनुभव रहा है, 15 साल मेरा अनुभव सेवा मंदिर से जुड़ी हूँ। सेवा मंदिर में मैंने देखा है कि पर्यावरण पे काम करना है, सेवा मंदिर बहुत बड़े स्तर पे काम करती है, तो मेरी जड़ वहीं से निकली थी। फिर मैं वापिस वन विभाग में पर्यावरण के हिसाब से ही आई थी।